तो अभी आए हम लोग गो कार्टिंग करने के लिए। फिर जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उधर वाला साइड से क्लाउड इधर आ रहा है, मतलब इधर पे मस्त सा क्लाउड लोड आ गया। अच्छा थी और हम लोग होटल से यहाँ पे बिल्कुल मेन पॉइंट पे ऑलराइट जी। तो अभी हम लोग फाइनली आ चुके हैं पिकार्डली महाबलेश्वर में। हम लोग के साथ हो गया था एक ट्रेजेडी बेसिकली। हम लोग बुक कराए थे एक होटल, लुक वाइज बाहर से अच्छा था बट अंदर से फैसिलिटी उतनी गई गुजरी थी। तो हम लोग वहाँ से कैंसिल कराए, गोएबी वालों को कॉल किया, देन उन्होंने पूरा रिफंड इनिशिएट किया। तो अभी फाइनली 4 बज रहा है और अभी जाके व्यू में अच्छा सुकून आया है और देखो क्या मस्त वाला व्यू है यहाँ पे। गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। महाबलेश्वर में हम लोग पहुंचे थे कल 12:30-1 बजे के अराउंड। एंड लुक एट द व्यू यहाँ पे, मतलब आसपास में पूरा अच्छा फॉरेस्ट एरिया है, यहाँ पे स्विमिंग पूल है। हम लोगों ने यहाँ से डिसाइड किया है कि जो भी मेन मेन पॉइंट है ट्राई करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर करने का, ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट कवर करने का। स्टे ट्यून्ड, आज मज़ा आने वाला है व्लॉग में। एंड अभी यहाँ से निकलते हैं। चलो जी, तो आज यहाँ से हम लोग शुरू कर रहे हैं सफ़र अपना। और यहाँ से हम लोग पहले जाएंगे वैना लेक और वहाँ पे होती है बोटिंग। देखेंगे अगर बोटिंग हो पाएगी, नहीं तो इवनिंग में भी वैसे ट्राई कर सकते हैं अगर उस टाइम का। हाँ अभी थोड़ा धूप ज़्यादा है तो मेन जो अपना एलिफेंट पॉइंट है ना वो वाला कवर कर लेते हैं, देन उसके बाद में इवनिंग में मस्त मज़ा आएगा। और थोड़ा सा आगे जाके यहाँ पर मैरियट का भी है तो बहुत सही सही पॉइंट्स हैं यहाँ पर। अभी देखो यही वाला पास पास में ही है, जो भी अच्छा प्रॉपर्टी है वो सारा मेन यहाँ पे एक कोर्ट यार्ड बाई मैरियट। तो जितना भी मेन प्रॉपर्टीज़ है ना वो सारा ऐसा पूरा फॉरेस्ट एरिया में आगे पड़ता है। बाकी अगर आप लोगों को नॉर्मल होटल चाहिए तो वो सारा पंचगनी में मिल जाएगा। ये वाला हम लोग कल एसी पॉइंट पे आए थे, बेसिकली यहाँ पे पूरा क्लाउड्स हो गया था। यहाँ से आगे जाके हम लोग लॉडविक पॉइंट पे पार्क करेंगे गाड़ी, देन उसके बाद में थोड़ा सा वॉकेबल डिस्टेंस पे जो एलिफेंट पॉइंट है वो दिखता है। एंड यहाँ पे कल आए थे हम लोग, यहाँ से आगे जाएंगे हम लोग एलिफेंट पॉइंट पे। पर ये पूरा थोड़ा बहुत ट्रैकिंग है बट ये शाम में आए थे ना, मतलब शाम में पूरा क्लाउड से कवर हो गया था। एंड शाम में इधर पे जो शॉप्स लगी हुई छोटी, उन्होंने भी बोला अभी जाने का कुछ फ़ायदा नहीं है, कोई पॉइंट दिखेगा नहीं। तो इसलिए अभी हम लोग दोबारा से 10 बजे के अराउंड आए हैं यहाँ पर। जो पॉइंट है वो भी 10 बजे खुलता है। सो गाइज अभी जो यहाँ से जगह दिख रही है जो उस पार में, उधर पर एक है वाटरफॉल, यहाँ से अभी कैप्चर नहीं हो पा रहा है बट जब वो देखो वहाँ पे एक वाटरफॉल पॉइंट भी है। सो अभी हम लोग लॉडविक पॉइंट से और आगे ट्रेल करके जा रहे हैं एंड दिस पॉइंट इज एलिफेंट्स पॉइंट। सो दिस इज एलिफेंट नोज पॉइंट। अब एलिफेंट नोज कहाँ से दिखता है, वो ऊपर वाला साइड में से थोड़ा साइड से पोज आएगा क्योंकि वो तो मतलब मेन पॉइंट है। बट लुक एट दिस यार, कितने सारे वाटरफॉल्स हैं। यहाँ से काउंट करवाता हूँ आप लोगों को,
वाओ, ओ भाई, अरे पूरा रेलिंग है, क्या मस्त है। 1, 2, 3 उधर पे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 वाटरफॉल्स हैं, क्या सही जगह है। और नीचे से पूरा वो रिवर जा रहा है, छोटा सा पूरा पानी से निकल के, बहुत सही है। तो अभी जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे, क्या मस्त क्लाउड आ रखा है, और ऐसे ही शाम में हो जाता है मौसम, बहुत ही ब्यूटीफुल। और यहाँ से अभी उधर जाएंगे, अब एलिफेंट पॉइंट वाला थोड़ा सा क्लाउड छटने का वेट करते हैं, दिखेगा तो अच्छा है। उधर से हाँ, इनको बैठा दो पहले, So, ये वाले घोड़े का नाम है हैंडसम बॉय और आगे वाले का पिज़्ज़ा अच्छा सही है, अच्छा वो घोड़ी है आगे वाली है। सही है, पहली बार हॉर्स राइडिंग है ना, मस्त एक्सपीरियंस रहता है। तो ये लोग खाना वाना क्या खाते हैं? ये चना खाता है। आओ जरा पानी का। हाँ हाँ हाँ, देखो तो इधर से वो दिखता है, दिखता है एलिफेंट, माड़ रोड है ये, माड़ रोड भी दिखता है, प्रतापगढ़ दिखता है। तो ये वाली घोड़ी का नाम है स्मार्टी, नहीं ये वाले घोड़े का नाम है स्मार्टी अरमान, ये वाली पिज़्ज़ा और वो हैंडसम बॉय। ऑलराइट जी, तो अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ वैना लेक में, और यहाँ पे होती है बोटिंग। वैसे बोटिंग का जो चार्जेस है, जो वहाँ से हाफ तक घूम के आ रहे हैं, वो वहाँ पे शॉर्ट राइड का 600 है, लॉन्ग राइड का 1200 है। तो आप लोग यहाँ पे आके बुक कर सकते हो। अभी बोट चलाई जाएगी गलत पकड़ी हुई अभी इधर पे मस्त मस्त क्लाउड उलाउड आ गया, उधर से आए थे, काफी दूर आ गए, मजा आ रहा ना। तो अभी वहां से इधर का डिस्टेंस कितना रहेगा? 1.5 किलोमीटर में आके यहाँ पे हनुमान टेम्पल है, तो बोटिंग करके आओगे तो अच्छा है। बोटिंग करके आना रहता है? हाँ, पीछे से है कच्चा रास्ता। अच्छा, जंगल से। तो अभी ये वाला है हनुमान जी का टेम्पल, और 1.5 किलोमीटर का बोटिंग करने के बाद हम लोग यहाँ पे पहुँचे। नाइस। तो अभी जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, उधर वाला साइड से क्लाउड सभी इधर आ रहा है, मस्त एकदम पूरा लेक क्लाउड से कवर हो जाएगा। Thank you.
राइट जी, तो अभी बोटिंग अपना हो चुका है एंड यहाँ से हम लोग जाएंगे आगे खाना पीना खाने, क्योंकि ऑलरेडी लंच टाइम हो चुका है। तो यहाँ पे जब आप लोग एंटर करते हो तो बेसिकली आप लोगों से 150 रुपीज़ का जो है चार्जेस लगता है यहाँ पे पूरा एरिया विजिट करने का, जो कि वैलिड रहता है 7 दिन के लिए। तो आप लोगों को जो वाउचर है वो कुछ इस टाइप से मिलेगा, पॉल्यूशन टैक्स रिसिप्ट। बेसिकली दिस इज़ पॉल्यूशन टैक्स रिसिप्ट, जो कि आप लोगों को 50-50 का दो और 25-25 का दो मिलेगा। सो दिस इज़ कैफ़े पीटर, अच्छा लोकेशन पर, थोड़ा पेट्रोल पम्प के पास में, क्राउडेड एरिया है, बट यहाँ पे आसपास में आप लोगों को पार्किंग मिल जाएगी। मैं तो वैसे दूसरा वाला गली में लगा के आया, बट यहाँ पे अच्छा है। पिज़्ज़ा अपना आ चुका है फाइनली, लग तो बहुत बढ़िया रहा है, ट्राई करते हैं। ये आ चुका है स्ट्रॉबेरी चीज़ केक, देख के तो बहुत मस्त लग रहा है। तो मौसम दोबारा से चेंज हो गया। दिस इज आयरिश कॉफ़ी फ्रैपे, देख के तो बड़ा मज़ेदार लग रहा है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है यहाँ पे रेड बटन, यहाँ पे होती है गो कार्टिंग। गो कार्टिंग करेंगे, ये वैसे तो पेंट बॉल और बाकी सारी चीज़ें भी हैं, एक्टिविटीज़ हैं, आप लोग जा सकते हो। हाँ जी, तो यहाँ पे होता है जिप लाइन और गो कार्टिंग, दो चीज़ें तो होता है, गो कार्टिंग है यहाँ पे। हाँ, तो अभी आए हम लोग गो कार्टिंग करने के लिए। बेसिकली इसका प्राइस है 550 रुपीज़। एक बार थोड़ा सा शॉट लेते हैं, देखो। अपने कुछ शॉट देखे यहाँ पे गो कार्टिंग के, बेसिकली इसका प्राइस है 550 रुपीज़ अगर आप डबल वाले के लिए लेते हो, एंड 350 ये छोटा वाला गाड़ी के लिए जिसमें एक बंदा बैठ सकता है। तो ये है मालाज सिंस 1958, ओ माय गॉड, ये तो काफ़ी पुराना है, ऐसे पापा से भी पुराना हो गया। तो स्ट्रॉबेरी क्रीम, काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, मतलब जो स्ट्रॉबेरी जैसे यहाँ पे ग्रो होती है, बट लवली प्लेस, काफ़ी अच्छा वेदर हो रखा है, मस्त है ना। अच्छा, कंपनी 1958 के, आप लोगों ने क्या फ्रेंचाइजी लिया हुआ? फ्रेंचाइजी नहीं, मालाज का ही शॉप है। अच्छा, रीओपन किया है इसको। ओके, अच्छा रीओपन किया है, इससे पहले कहाँ पे था? पहले वहाँ पे, अच्छा आगे साइड में था, कोविड पीछे से बंद था। अच्छा, तो आप लोगों को फैक्ट्री भी यहीं है? फैक्ट्री 8 किलोमीटर यहाँ से। सही है, काफ़ी सारे प्रोडक्ट है। ये क्या है, जैम है क्या? जैम है, प्लेन जैम है। ओके, फिर हाई फ्रूट जैम आता है। ये सारा ये किस में डालने के लिए रहता है? ये क्या है, चॉकलेट सॉस। अच्छा, वो वैसा हर्शेस टाइप सा नटी चॉकलेट, न्यूटेला। अच्छा, ये न्यूटेला है। सही है, ये भी ले लो, अच्छा लग रहा।